वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वांग वियांग। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। ये कुछ आखिरी पल हमारे हॉस्टल के, पता हॉस्टल एक्सपीरियंस जो था ना यार, मज़ेदार था। आई डिपॉजिट द की देयर। बाय बाय। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेंटियाने में, और वांग व्यांग से यहां तक आने में यार बहुत जल्दी पहुंचा दिया। पता नहीं कैसे, मतलब जाते में टाइम लगाता है लगभग दो गुना, और आते में कोई पता ही नहीं चला। मुझे लगा शायद कहीं रोका हुआ है पानी वानी के लिए। और ये देखो, ये नॉर्दर्न बस स्टेशन है। अब यहां से हमको जाना है थाईलैंड बॉर्डर के लिए, जो कि है मैं उसका नाम बता दूंगा अभी, थोड़े नाम जो है ना अजीब से, इस चक्कर में याद नहीं रहते हैं। नुआंग खांग कुछ कर, नुआंग खाई करके है, नुआंग खाई, नुआंग खाई। तो हमें यहाँ से जाना है अब नुआंग खाई अपना वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। तो पहले हम कुछ खाना खाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं रोटी हाउस, जो मैंने रेस्टोरेंट बताया था वेजिटेरियन, क्योंकि वो जो है यहाँ से हम जा रहे हैं मॉर्निंग मार्केट। तो मॉर्निंग मार्केट से लगभग एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर दूर है हमारा रोटी हाउस। तो इसलिए हमने जो अभी कैब बुकिंग की है वो की है रोटी हाउस के लिए। रोटी हाउस से फिर हम जाएंगे मॉर्निंग मार्केट बस स्टेशन, वहाँ से बस रेगुलर चलती हैं आपका नुआंग खाए बॉर्डर तक। तो हमने सोचा पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि थाईलैंड में फिर बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो चलते हैं जल्दी से, ये आ गई है अपनी कैब। इसका जो है पे किया है हमने 1,21,000 की। तो भाई अब देख रहे हो 1,21,000 में मैंने पूरी गड्डी बुक कर ली। गड्डी चल गई है अपनी। सी यू गाइस इन रोटी हाउस। ओके, तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी रोटी हाउस। सामने है अपना रोटी हाउस और कप चाय। कप चाय बहुत गाड़ी में जो है ना रॉयल फील आ गया, मज़ा आ गया। और यार चॉकलेट, सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर रॉयल, मतलब काफ़ी बड़ी थी। और 1,00,000 चार्ज लिया, उसमें ऑनलाइन दिखा रहा था 1,21,000, पर जब मैंने अभी पे किया तो 1,96,000 कुछ आ रहा था, उन्होंने 96,000 लिया। और अभी खाते हैं कुछ खाना। ये रहा अपना रोटी हाउस, जवा सूप मांग रहा है अब। तो यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है ना, देखो अपने इंडियन का जो टेस्ट है ना, ये देखो, ये भाई देखो, ये नान, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चिकन या। तो देख रहे हो देखने में ही इतना अच्छा है, तो स्वाद में कैसा होगा। अभी अपन ने भी अपने लिए कढ़ी चावल मंगाया, तो लेट्स सी। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किए थे, मज़ा आ गया था। तो भाई ये देखो, अपन ने जो है ना वेज थाली मंगाई थी और कढ़ी चावल, और यार कितनी प्यारी लग रही है देखने में, खाने में कितना मज़ा आएगा। तो जल्दी से अपन अपना खाना एंजॉय करते हैं। खाने में मज़ा आ गया अपनी आगे। तो भाई जाते जाते जो है अपन ने इंडियन खाना जो है ना ज़बरदस्त फील दिया, बहुत ज़्यादा खा लिया। और कोई नहीं, कोशिश करूँगा आज शाम का जो डिनर है उसे स्किप कर दूँ। अभी जा रहे हैं हम लोग मॉर्निंग मार्केट में, वहाँ से पकड़ेंगे अपनी बस जो हमें छोड़ेगी बॉर्डर पे, और वहाँ पे देखते हैं अपना वीज़ा ऑन अराइवल क्या क्या मांगते हैं, और उस हिसाब से अपनी जुगाड़ बनाएंगे। लेट्स गो। वेट किया इन्होंने, 5 मिनट लगभग हमारा, शुक्रिया। ये देखो भाई सामने जो ना एक्सीडेंट हो गया, ये देखो साहब, यहाँ पे जो है ना एक्सीडेंट होने के बाद ये नहीं मारा पीटी करने लगे और गाड़ी उठा के साइड में होने लगे, जहाँ एक्सीडेंट हो गया उसको वहीं छोड़ देते हैं, और फिर पुलिस आती है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो उनका सेटल चलता है। अपने यहाँ नहीं, जो अपने इंडिया में ना फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं, गलती किसी की भी हो, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये यहाँ की बस है भाई, देख लो
ने कितना किराया लिया? 35,000। थोड़ा उन्होंने वेट किया था इसलिए 35,000 की जो है उन्होंने किराया लिया। ये देखो भाई, आगे जड़ी बूटियाँ हैं, पता नहीं क्या है, डंडी वंडी, अंडी वंडी संडी। ये देखो लाओस थाई बस टिकट। अभी हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं इन्हें समझाने की कि भाई हम लोगों को जो है ना वीज़ा चाहिए, वो भी थाईलैंड में एंटर होने से पहले। और ये जो अपना नोंग खाई है, ये मैंने अभी जब ड्राइवर से पूछा था, कैब ड्राइवर से, वो बोल रहा था भाई ये थाईलैंड के अंदर आता है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं इनको समझाने के लिए, देखते हैं। तो भाई इन्होंने बोला ये जो नोंग खाई तक जो जा रही है, यानी कि ये नोंग खाई में एंटर नहीं करेगी, ये उसके बॉर्डर तक छोड़ देगी। वहाँ अपने को लाओस का एग्जिट लगवाना है और अपने को फिर थाईलैंड में एंट्री के लिए अपने को टुक टुक लेनी पड़ेगी या जो भी वहाँ मिलेगा। नोंग खाई से अपने को जो है ना बैंकॉक की बस मिल जाएगी वहाँ से, उसके बाद जैसे ही आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लेते हो उसके लिए। तो चलते हैं फिलहाल, कुछ कैश निकालते हैं क्योंकि अपने को कैश चाहिए अपने वीज़ा के लिए। इस बस में अपन अभी आए थे, ये पड़ी थी अपने 12,000 कीप की। और तो नुआंग खाई के लिए जो बस लेनी है हमें, वो लेनी है इस स्टेशन से। यहाँ पे आ गया जबरदस्त तूफान। और ये देखो यार, ये ब्रावो, एकदम से जो है ना बहुत जबरदस्त आंधी चालू हो गई हमारे पैर रखते ही यहाँ पे। और मौसम है ना एकदम सेक्सी मौसम हो चुका है यार इस पर। उस तरफ देखो, ये और बाकी आपको अगर करेंसी एक्सचेंज वगैरह कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो आप यहाँ लेंगे। ये वो प्लेस करेंसी एक्सचेंज, और एटीएम वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो सामने की तरफ खाने पीने का। ये जो है अभी अपन पहुंच गए हैं एग्ज़िट पे, और यहाँ से अपने को लाओस से एग्ज़िट करना है और उस तरफ थाईलैंड है जहाँ पे अपन को एंट्री लेनी है। ये अपने बैग हैं, बैग उठाते हैं, जल्दी से चलते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और आप फिर बताता हूँ इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें मांगी। लेट्स गो। तो भाई अपन ने जो है ना यहाँ पे एग्ज़िट स्टाम्प लगवा दी है लाओस से। अभी यहाँ से बस टिकट लिया है इस तरफ से, ये यहाँ से इस काउंटर से, वो अपने को पड़ा है 10,000 कीप का। यहाँ पे अभी तक कीप काम कर रहा है, और अगर आपको कीप एक्सचेंज कराने तो बाहर एक्सचेंज सेंटर था, पर रेट बहुत कम मिल रहा था, तो जिस वजह से अभी हमने कराई नहीं है। और देखते हैं आगे, या तो थाईलैंड में करा लेंगे या फिर इंडिया में भी हम करा सकते हैं चेंज। तो अभी बस आएगी, उसमें बैठेंगे, या तो आप 30 बात दे सकते हो या फिर 10,000 कीप। और अब देखते हैं थाईलैंड का वीज़ा और मिल जाए, ऑल गुड। और जो भी लोग थाईलैंड से लाओस आना चाहते हैं और उनको चाहिए अगर वीज़ा ऑन अराइवल, तो ये सामने की तरफ, ये जो है ये है वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप थाईलैंड से लाओस की तरफ आ रहे हो। और सामने देखो अपनी बस आ रही है, अपने को इसी वाली बस में जो है ना जाना है। चलो भाई गड्डी आ गई, अपने बैग उठा लें। ये देखो भाई लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज, देख के बस आ रही है। चलो भाई चलते हैं थाईलैंड में, ये अपनी बस है, अपनी गड्डी रेडी है। ये धर्राटे काट रही हो